मीनाक्षी, ये समंदर की रेत चबा लियो ऐसा मुंह बनाकर ये जेल के चौकीदार की तरह इधर उधर क्या कर रही है? हाँ, अगर तुझे जॉगिंग करना है तो सीधा जॉगर्स पार्क जाना। ए, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। तुझे पता है आजकल वहाँ शाहरुख जी गौरी से छिपकर पेड़ के पीछे सिगरेट पीते हैं, वही उनको तो पहुँचना है। तेरी लाइफ में ऐसी कोई कहानी है जिसमें शाहरुख जी का रोल ना हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि एक कहानी लिखूं, त्रिमूर्ति पार्ट टू, जिसमें शाहरुख जी का रोल ना हो। अरे यार, क्यों तुम लोग इसकी बात को भटका रहे हो? पहले इससे पूछो कि इसका थोबड़ा क्यों सूजा हुआ है। अरे इसमें पूछना क्या, कुछ लोग तो पैदाशी सूखे मुंह वाले होते हैं, हंसते हैं तो लगता है कि फूट फूट कर रो रहे हैं। चुप कर। और मीनाक्षी तू बता, तेरी परेशानी क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? पता है, वर्ल्ड वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े आए हैं और इस साल महिलाओं पर बलात्कार के किस्सों में 7% बढ़ोतरी हुई है। रियली? शट अप। ओके। दहेज के लिए जलने वालों में 27% और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में 30% बढ़ोतरी हुई है। पता नहीं इस देश का क्या होगा। अरे मीनाक्षी, इस देश का क्या, इस दुनिया का क्या होगा किसी को पता नहीं। हर तरफ छाया हुआ है अंधेरा, एक मसीहा का इंतजार है। काजल, मसीहा क्या अंधेरे में मशाल लेके आएगा? नहीं नहीं नहीं, टॉर्च लेके आएगा। ओ, ओ, वो तो हम लोग भी लेके जा सकते हैं, फिर मसीहा के इंतजार करने की क्या जरूरत है। स्वीटी, हाँ? इस दुनिया में हर एक आदमी तेरे जैसा पैदा होना चाहिए, फिर पृथ्वी की समस्याओं का तो समाधान ही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पृथ्वी अंकल को क्या समस्या है? स्वीटी, तूने तो प्रूव कर दिया है कि ना किसी के पास दिमाग होगा, ना कोई दुख के बारे में सोचेगा, और तो और दुख का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये किस मामले में सभा हो रही है? दुनिया से दुख का नामो निशान मिटाने की सोचे मामा। अरे बेटा, कभी तो छोटा सोचा करो। हॉलीवुड के फिल्म मेकर की तरह लार्जर देन लाइफ मत सोच। जाना। आई हो कहा से गोरी, आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, कुर्ता ये जाली वाला उस पर मदियन की माला, कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय नीम तेरे कुर्बान। हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम? क्या बकवास कर रही हो मामा, अगर ये रास्ता भूल जाते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते? अच्छा हुआ मीनाक्षी घर में है। लगता है सुनील अंकल फिर किसी गंगा को मैली करने चले गए, इसीलिए छमक छलो यहाँ ठुमका लगाने आ गए। क्या प्रॉब्लम है पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। पूजा तू एक काम कर। क्या? एक पेंटर को पकड़ और उसे बोर्ड बनवा, आंटी कहना मना है, और अपने गले में टांग दे। फिर तो लोग इसे और आंटी आंटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोगों को मना किया जाता है ना, वो ही पहले करते हैं। देखा नहीं, जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं लोग पान की पिचकारियों का मॉडर्न आर्ट बना देते हैं। बस बस पूजा, सब ठीक ठाक है ना? एक सुनील को छोड़कर बाकी सब ठीक ही चल रहा है घर में। सुनील अंकल ठीक से चल नहीं सकते? वेरी बैड पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। दुनिया, अब मैं आपको लंगड़े की जाने मन कह के पुकारूं? ऐसा कुछ नहीं है स्वीटी, भगवान की दया से मेरे वो एकदम तंदुरुस्त है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तंदुरुस्त होता फिर किसी और डाल पर जाकर बैठ गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है रे, अगर ये प्रॉब्लम होती ना तो छोटी ने कब के सॉल्व कर दी होती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आजकल मेरे वो मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते। पहले 50 लफड़े कर भी माथे की बिंदिया से लेकर पांव की पायल तक हर चीज का ध्यान रहता था उन्हें। मुझे लगता है कि वो तुमसे उब गया है, टार्ड हो गया है। हाँ, ये मर्दों की जान, शादी से पहले बीवी को चंद्रमुखी कहते हैं और शादी के बाद उसे ज्वालामुखी समझकर उसे दूर रहते हैं। ए! तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने 18-20 शादियां करके तोड़ दी हो। मुझे सब मालूम है। चशा, तू शराब। चुप रहो। मीनाक्षी, तुम ठीक कह रही हो, मेरा सुनील भी शादी के पहले ऐसा ही था, वो यही कहता था, पूजा तुम्हारा प्रेम ही मेरी पूजा है, तुम ही मेरा मंदिर हो। मगर आज वो मुझसे ऐसे कतराता है जैसे मैं रामसे की हॉरर फिल्म पुराना मंदिर का सेट बन गई हूँ। इस मामले में तो मैं नसीबदार हूँ,
आज भी वो दिन रात मेरे नाम की माला जपते रहते हैं, मुझसे पूछे बगैर कपड़े तक नहीं पहनते। यानी तुम ना कहो तो आनंद भैया बिना कपड़े के। ए पूजा, तू भी भरी जवानी में सठिया गई है। मम्मी के कहने का मतलब है कि डैडी हर एक छोटी मोटी बात के लिए मम्मी पर डिपेंडेंट है। हाँ, हमारे घर में सुबह की शुरुआत मुर्गे के कुकड़ुकों से नहीं बल्कि डैड के बीना बीना के आलाप से होती है। ठीक उसी तरह ना कि मतलब के लिए हर पति अपनी पत्नी को गुलाम की तरह याद करता है, मगर प्यार के मामले में समझी वाली बात है। नहीं नहीं पूजा, मेरे वो ऐसे नहीं है। हाँ, हमारा डैडी तो हमारे मम्मी के साथ बेडरूम में जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। होगा, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब सुनील मेरे जैसी सुंदरी से बोर हो सकता है तो आनंद भैया भी कहीं ना कहीं बीना से बोर जरूर होते होंगे। ए पूजा, अपुन के बापू के दिन भर गए क्या जो अपुन की माँ से बोर होंगे? और वैसे भी वो जानते हैं कि उन्होंने जरा भी नाटक किया तो हम लोग उनका बोरिया बिस्तर गुल कर देंगे। शायद वो इसीलिए नहीं बताते होंगे, वरना कहीं ना कहीं खोट जरूर है। उस दिन वो शराब पीकर मेरे घर में नहीं आते। पूजा, तुम अपने घर की आग बुझाने आई हो या हमारे घर में चिंगारी लगाने? देख पूजा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति आज भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं जितना शादी के वक्त रखते थे। अब इस मोटे फूल गोभी को कैसे समझाए कि मैं भी इसी तरह वहम में जीती रही? वो तो विकेट गिरने के बाद मालूम पड़ा कि अंपायर अपना नहीं है। लगी 500 की? तुम अपनी मम्मी का गेटअप चेंज करो। अगर आनंद भैया पहली नजर में नोटिस कर ले तो तुम लोग जीते, वरना मैं जीती। लगा दे माँ, सवाल 500 रुपए का नहीं, सवाल ये है कि जिस आदमी के लिए तूने इतनी कुर्बानियां दी जितनी कुर्बानी फिल्में भी नहीं थी, उस आदमी के लिए तेरे वजूद की अहमियत कितनी है? काजल, जरा इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना। लग गई पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। हाँ वही, चलो लग गई 500 की। डैडी शाम को आए तब आ जाना और देखना कि मम्मी में आए हुए चेंज को डैडी कैसे नोटिस करते हैं। ओके डन डन। एक काम करते हैं, अपनी माँ को अपने बापू का पैंट और शर्ट पहनाते हैं और फिर मेरी टोपी पहनाकर उनके सामने पेश करते हैं। डैड क्या, उनके बाप का बाप भी नोट करेगा इस बात को। ये दुनिया की पहली लड़की है जो अपनी माँ को भाई बनाने पे तुली है। दीदी एक काम करते हैं, मेरी तरह मम्मी को चश्मा पहना देते हैं और सुनने की मशीन भी दे देते हैं। क्यों? ए, एक घर में तू डिफेक्टिव पीस कम है क्या जो अपनी माँ को भी भंगार की दुकान का शोपीस बनाना चाहती है? एक काम करते हैं, मम्मी तुम हाथ में बेलन लेके दरवाजा खोलना, डैड फौरन नोट करेंगे। मीनाक्षी, हमें डैड को डराना नहीं है बल्कि ये देखना है कि मम्मी के बदले हुए रूप को डैड नोट करते हैं या नहीं। ओ बेवकूफो, तुमने क्या हमारी मम्मी को मिकी माउस समझा है जो इनकी कार्टून फिल्म बनाने पे तुले हो? कुछ सीनियर से भी एडवाइस लो। कौन सीनियर? एक ही तो है जो तुम्हारे घर में ब्यूटी और ब्यूटी पार्लर के मामले में परफेक्ट नॉलेज रखती है। One and only one, sweetie Anand Mathur. हाँ, sweetie, तू तो सब कुछ जानती है ना? तू मेरे चेहरे पे कुछ ऐसा कर कि देखते उनकी आंखें फट जाएं। ठीक है, पहले जाके अभी कपड़े चेंज करो। ये साड़ी को चेंज करके कुछ सलवार कमीज या गरारा वरारा पहन लो। क्यों? ताकि आप सर्कस के तंबू से पान वाले की छतरी बन जाओ। वो मैं बाद में कर लूंगी, पहले तो मेरे चेहरे पे मेकअप करना। आपको लिपस्टिक लगाने आती है? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, देख मैंने लगाई हुई है। यही तो मार खाती है इंडिया, यहाँ ज्यादातर औरतें लिपस्टिक ऐसे लगाती है जैसे टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा रही है, और फेस पे रूज और पाउडर ऐसे लगाती है जैसे दिवाली के दिनों में दीवार पे चूना लग रहा हो। पहले तो आपको एक शेड चूज करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा शेड चूज करूँ? लाल, ताकि वो देखते ही रुक जाए और उनकी नजरें आपके चेहरे पे चिटक जाए। जरा पीछे हटना। Amazing. अब मैं आपके आईब्रोज करती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। अब मैं आपको डार्क पिंक रूज लगाऊंगा। लल्ला। ए चिकनी, तू अपनी माँ का मेकअप कर रही है या कोई फिल्म का पोस्टर पेंट कर रही है? ए टपोरी, तू बीच में मत बोल। तू तो बीच में मत बोल। तू क्या जाने हुस्न की सजने किया था? जा जा जा, नुक्कड़ पे खड़ी रह के मवाली गिरी कर जा। ए तू अपन को डांट रही है, एक खींच के दूंगा ना। ए खींचने की तकलीफ क्या कर रही है, जो देना लूज छोड़ के देना। ए, 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 फिर से लड़ने लगे तुम दोनों। चल जल्दी से मम्मी का मेकअप कर, फिर
जाओ मम्मी जाओ, अब तो कोई अंधा भी तुम्हें देखे आंख मारने का लालच नहीं रोक सकता। जाओ जाके कपड़े चेंज करो। अच्छा, और किसी को मेकअप कराना प्लीज कम इन सिट हियर। आ गए हमारे मम्मी के श्याम सलोने, हमारे इकलौते डैडी आ गए। हे श्याम सुहानी आई खुशियां बन के, पहली बार आज कहीं बरसों में पायल छन के, पहली बार हुई अधूरी आशा पूरी। अच्छा हुआ गाना बंद हो गया। थैंक गॉड सब बड़े बंदर घर में है, वो छोटी लंगूर कहाँ है? डैड अगर आप अपनी औलादों को बंदर और लंगूर कहेंगे तो आपको लोग गोरिल्ला कहेंगे ना। चुप कर, वो तुम्हारी गोरिल्ला मम्मी कहाँ है? चाहती बच्चों पर गरजने बरसने लगे। अरे गरजती भी तुम हो और बरसती भी तुम ही हो। ये बैग लेके अंदर रखो और मेरे लिए गरम चाय लाओ, दर से सर मेरा फटा जा रहा है। काजल जल्दी जा मौजी को बुला के ला, अगर डैडी का सर फट गया तो फौरन सिलवाना पड़ेगा। डैडी आपने मम्मी को देखा? 18 साल से देख रहा हूँ इसे घर में, और ऑफिस की खिड़की से दिख रहे चरनी रोड के फ्लाई ओवर ब्रिज को क्या फर्क है? क्या कहा क्या कर रही है तू? अंदर जाके मेरे लिए चाय लाओ ना, ठीक है? जाओ ना। रास्ते में राम भरोसे हिंदू होटल देखा नहीं क्या? चाय की इतनी तलब लगी थी तो पीकर आते वहां से। राम भरोसे हिंदू होटल की पब्लिसिटी भूत कर रहे हैं। क्या बात है? आंटी मत कहो ना। क्या टाइम पे आई हो पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। यस आई आई। कैसे हो आनंद भैया? मजे में हूँ भैया, इतना अंडरलाइन करने की क्या जरूरत थी? तुम कैसी हो पूजा? मैं भी मजे में हूँ। ये हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है, कहाँ करवाया? सैलून में, वो जूहू गली के फुटपाथ पे कुर्सी डालकर नहीं बैठता, सुलेमान भाई की हेयर कटिंग सैलून में। क्या? हाँ, बीवी का बाल डाटा नहीं दिखा तुम्हें, पड़ोसन के बाल दिखाई दिए। अब बिना नहीं दिख रही? हाँ बिना 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 वो चाय बना रही। अच्छा, ये हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है। हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है। मीनाक्षी बताओ तुम लोग जीते या हारे? पता नहीं, शायद डैडी हमारे सामने मम्मी की तारीफ ना करे, अगर बेडरूम में करेंगे तो कल पता चलेगा। ओके पूजा जी, क्या इसके साथ घुसड़ घुसड़ कर रही हो? ये मेरी बेटी है पर बच के रहना। ये महिला मुक्ति वाले किसी के भी संसार का कांदा भजिया बना सकते हैं। तुम जरा बैठो, मैं जरा कांदा भजिया खा के कपड़े बदल के आता हूँ। मीनाक्षी मैं भी चलती हूँ, कल आऊंगी। हाँ ओके। अरे सो जा निंदिया की बेला है, हो आ जा पंछियां खेला, हो सो जा निंदिया बेल। ऐसे ललिता पवार जैसे क्यों घूर रही है? मैं देखूं तुम्हारी आंखें कहीं खराब तो नहीं हो गई है? बिल्कुल नहीं, अरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखे भी मैं पहचान सकता हूँ कि हीरोइन ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। आजमा कर देख लो। वो तो आजमा ही रही हूँ। सो जा निंदी। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? बिल्कुल, शादी के 18 साल बाद पति पत्नी में कहने सुनने लायक होता ही क्या है? अभी सो जाए तो गुड नाइट कह दूं। मैं तुम्हारी गुड नाइट कहे बगैर भी सो सकती हूँ। ओलंपिक में अगर सोने का कंपटीशन होता तो हर बार इसे ही गोल्ड मेडल मिल जाता। ये ना ये सो जाओ यार।
बीना 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 क्या है? अरे मोदी कहाँ है? ये शेयर बाजार का रिंग नहीं है जो तुम सुबह उठते ही गला फाड़कर चिल्लाने लगते हो। तो फिर क्या करूँ? मेरी कोई भी चीज जगह भी नहीं मिलती तो मैं चिल्लाऊंगा तो क्या करूँ? डैडी आप अपने घर में अपने मोजे नहीं ढूंढ सकते? अरे उस आदमी की महानता का सोचो जिसने मोजे की खोज की थी। तू चुप कर। देखो देखो ये बहस करने का वक्त नहीं है। मेरे मोजे कहाँ हैं बताओ? ढूंढ लो अपने आप। भगवान ने कोट के बटन की तरह तुम्हें ये दो खूबसूरत आंखें दी हैं जिनसे तुम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखकर हीरोइन के कपड़ों का कलर बता सकते हो। तो क्या मोजे नहीं ढूंढ सकते? ये लो तुम्हारी चीजों की लिस्ट, पढ़ लो इसे। इस असहकार आंदोलन की वजह समझ सकता हूँ? अपने आप से पूछो। मैं बताऊँ? तू चुप कर, तू चुप कर। फिलहाल मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऑफिस जाने के लिए भी देरी हो रही है। भाड़ भी गए मुझे, मैं बिना मुझे चला जाता हूँ। बिना मैं जा रहा हूँ। अरे तू जाओ ना, उसने कब रोका है तुम्हें? तू देख के चल नहीं सकती यार। मैं तो देख कर ही चल रही थी। आप भी किसी सड़क जाप रोमियो की तरह कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना के मुंह में चल रहे थे। ठीक है जो आता है वो बाउंड्री मारता है। यहाँ लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। स्वीटी तू तो कहती थी कि मॉम का मेकअप देखकर डैड के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन डैड ने तो मॉम को इस तरह इग्नोर किया जैसे इंपोर्टेड गाड़ी में बैठा हुआ आदमी सिग्नल पर के भिखारी को इग्नोर करता है। हाँ, और वो परकटी पूजा आंटी के बालों में फूलों का बगीचा बनाने चले थे। मुझे भी क्या सूझी जो पूजा से शर्त लगाने चले। कोई बात नहीं मामा, अच्छा किया। शर्त लगाने से ये तो पता चला कि आपके संसार के बलून में कितनी हवा है। पर हम लोगों को इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। हम लोगों को मॉम में कई ड्रास्टिक चेंजेस लाने चाहिए। ये ड्रास्टिक चेंज क्या होता है? ड्रास्टिक चेंज यानी ताजमहल को कुतुब मीनार बनाना। लेकिन हमारी मम्मी तो जलियांवाला बाग जैसी है। चुप कर। मम्मी तू एक काम कर, तू ना एकदम मॉडर्न हो जा, जीन्स जैकेट और हील के शूज पहन ले। हाँ, और ब्यूटी पार्लर चलकर आईब्राउज हेयर स्टाइल सब कुछ नया करवा लेते हैं। एग्जैक्टली exactly. अगर देसी ठर्रे जैसी उर्मिला अंग्रेजी वाइन की तरह रंगीली हो सकती है तो हमारी मम्मी में तो बारूद जितना पोटेंशियल है। अरे ये तो सचमुच बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो गई। मतलब मेरा थोड़ा बहुत चांस था वो भी गया। कसम से माँ क्या लग रहे लिया, लगता है अब स्वीटी की जगह तुझे छेड़ने के लिए लोगों को धोना पड़ेगा। अब तो डैड मॉम को देखकर बेहोशी हो जाएंगे। एक सेकंड ना, मैं अभी आई। अब ये क्या करने गई है? लगता है काजल का टीका लगाना चाहती है ताकि माँ को नजर ना लगे। ये लो, ये लो, हटो हटो। ये क्या है? मम्मी डैडी को होश में लाने की दवा। डैडी जब आपको देखे बेहोश हो जाएंगे ना तो उनको जूता सुंगा देना और मुंह पे पानी मार देना। ओके कैच। मेरी जान मुझे खबर है बचना सका कोई, आए जितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है। हाँ, देख इधर यार ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है। मेरी जान मुझे खबर है। आइए आइए डैड, आप ही का इंतजार था। मैं कितना नसीबदार हूँ कि मेरे बच्चे इतने बड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहीं राड़ा तो नहीं किया ना? तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब राड़ा करेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये ले, ये बैग ले, इसमें नई गॉसिप मैगजीन है वो छोटी को दे देना और मेरे लिए गरम गरम चाय बना के लाना। जाओ। नखरे वाली
देखने में देख लो कैसी भोली भाली। नमस्ते। क्या बात है पूजा? आजकल बहुत चक्कर होने लगा है हमारे घर के। कोई चक्कर में तो नहीं लिया ना इन चांडालों ने तुम्हें? अरे क्या खूबसूरत इयररिंग्स पहने हैं तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि कोई फूल भौरे को चूम रहा है, कोई भौरा फूल को चूम रहा है। थैंक यू भाई साहब। बाद में बाद में। बुलडोजर की तरह अंदर क्यों चली गई? चुल्लू पर पानी में डूब मरने। तो बाथरूम में जाना चाहिए था, बेडरूम में पानी कहाँ है? तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं डूब जाऊं, ताकि तुम मेरे मरने के बाद लोगों के कान के इयररिंग्स और बालों की लटे देख सको। मैं जा रही हूँ अपने मायके अपने बच्चों को लेकर, आज से तुम बिल्कुल आजाद हो। कोई बात नहीं, लेकिन ये कपड़े चेंज करके जाना। ये तो बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम बनकर बलिया में जाओगे तो बलिया वाले सोचेंगे कि बेटियों और पति के टेंशन में बिना पागल हो गई है। तुमने मेरे चेंजेस को नोट किया? दो दिन से देख रहा हूँ बिना, दो दिन से देख रहा हूँ। ये सिंह काटकर बछड़ों में शामिल हो रही है तू। तू मेरे बच्चों की माँ है बिना। तेरे चेहरे पे रंग रोगन अच्छा नहीं लगता, तू जैसी है वैसी अच्छी लगती है। सर सुन सुशील, सच? एक मिनट। क्या कर रहा? एक सफेद बाल था निकाल दिया। देखा पूजा, अब तो मानती हो ना कि अपुन का बापू अपनी माँ को सिर्फ नोटिस ही नहीं करता, बल्कि उसके सर के एक सफेद बाल पर भी उनका ध्यान होता है। चलो निकालो 500 रुपए पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना।